बिहार का शिमला ट्रक ऑपरेटर यूनियन लंबे समय से अपने ट्रकों को खड़ा करने की मांग कर रही है, लेकिन अभी तक उनकी इस मांग को पूरा नहीं किया गया। वीरवार को सोलन शहर में कालका शिमला ट्रक यूनियन के प्रधान बृजमोहन चौहान ने कहा कि आज तक ट्रकों को खड़ा करने के लिए सोलन शहर में ट्रांसपोर्ट नगर नहीं बन पाया है। चौहान ने बताया कि इसको लेकर कई बार विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की जा चुकी है, लेकिन अभी तक सिर्फ प्लानिंग ही सरकार द्वारा बनाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द सोलन में ट्रांसपोर्ट नगर बनाए। उन्होंने कहा कि उन्हें सड़क किनारे ट्रक खड़ा करना पड़ता है, ऐसे में चोरी की वारदातें लगातार सामने आती हैं। कई बार पुलिस प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन पुलिस भी अपनी कार्रवाई अमल में लाती है, उसके बाद फिर से चोर गाड़ियों से पेट्रोल और बैटरियों को चुरा ले जाते हैं। चौहान ने बताया कि ऐसे में जरूरी है कि अपना कोई ट्रांसपोर्ट नगर हो, जहां वह अपनी गाड़ी खड़ी करके ट्रकों को खड़ा कर सके। उन्होंने कहा कि सड़क किनारे ट्रक खड़े होने वाले पुलिस भी भारी भरकम चालान करती है। चौहान ने बताया कि अब ट्रांसपोर्ट नगर के लिए शहर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इसका शिलान्यास कर चुके हैं, लेकिन कब तक वो कार्य पूरा होगा किसी को नहीं पता। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द शहर में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण हो, ताकि ट्रक यूनियन के ट्रकों को बेहतर सुविधा मिल सके। हमारी गाड़ियों के लिए आज तक भी ट्रांसपोर्ट नगर की पहले एक परियोजना चली थी, उसमें भी अभी तक जो है वो किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। उसके बारे में कई बार बात हो चुकी है। जो पूर्व के हमारे मंत्री जी व MLA साहब शांडिल साहब, उनसे भी बातचीत हुई, उस विषय में उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। और पहले पूर्व प्रधान मुख्यमंत्री राधा वीरभद्र सिंह से इस विषय में कई बार चर्चा हुई। सिर्फ प्लानिंग ही प्लानिंग हो रही है। अभी तक कोई ना हमारे पास पार्किंग है, ना ही हमारे पास कोई व्यवस्था है, जबकि फोन लाइन में हमारी चोरियाँ हो रही है और चलान हो रहे हैं, जिस विषय में कि सरकार ने कोई भी अभी तक कोई गतिविधि नहीं करी। यही रहेगी कि भाई हमारे लिए जो व्यवस्था की जाए, ताकि हमारी चोरियां ना हो। बैटरी चोरी हो रहा है, तेल चोरी हो रहा है, कई गाड़ियां चोरी हो गई सोलन से, 5-6 ट्रक जो है वो चोरी हुए पहले भी, और इस विषय में सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। कई बार हमने पुलिस रिपोर्ट लगाई, पुलिस रिपोर्ट में अभी तक कोई भी बैटरा सबूत मतलब वापिस उसका कुछ नहीं मिला। सड़क किनारे चलान करने का जो है जी 1,000 रुपए से 5,000 तक बोलते ही है। अगर हम चंबाघाट में कई बार लगा चुके हैं, 5-5, 6-6 हजार रुपए बुक चुके हैं, जिस भी सड़क पर लगाए वहीं चलान, क्योंकि भाई हमारे लिए जो व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि हमारे लोगों की ना तो चोरियां हो, ना किसी प्रकार के चलान हो, और ना उसमें अव्यवस्था। हम अपना चौकीदार रखें, अपनी व्यवस्था हम खुद जुटाएंगे।